वहीं राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी के तीखे तेवर देखने को मिले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जुबानी हमला किया। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट भवन नरसिंहपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ होश में नहीं है, नागरिकता संशोधन बिल का करना सही नहीं, ऐसा कोई भी सरकार नहीं कर सकती। संविधान सभी के लिए एक है और काम हो तो यह मानना होगा। के जो ओरिजिनल सिटीजन्स हैं उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। विधेयक केवल जो शरणार्थी हमारे आए हैं उनको हक देने का, उनको सम्मानजनक जिंदगी देने के लिए कानून पारित किया है। और ये वो कानून है जिसमें ऑप्शन नहीं है प्रदेश को कि कोई प्रदेश कहे कि हम लागू करेंगे नहीं करेंगे। यदि ऐसा करोगे तो संविधान कहाँ रहेगा? क्यों लागू नहीं कर रही कमलनाथ? नहीं, परिवहन कानून में और इस कानून में अंतर, ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और परिवहन कानून है और उसमें हमने क्लास रखी है कि जो प्रांत चाहे तो माने चाहे तो ना माने, इसलिए उसमें उनको हक जाता है कि चाहे तो लागू करें चाहे ना करें। लेकिन ये अनुसूची 7 में प्रकाशित हो गया, संविधान का अंग बन गया है, इसलिए इसको इनकार करने का हक ना तो ममता बनर्जी को है और ना इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को है। घूस में आना चाहिए उन्हें। यदि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानोगे तो तुम्हें कौन मुख्यमंत्री मानेगा? ये चुनी हुई सरकार संविधान में से निकलती है।